हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस प्रोडक्शन। सो एवरीवन, आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। एवरीवन, यहाँ पे कुछ टॉपिक क्वेश्चंस के फॉर्मेट में है, कुछ टॉपिक टाइटल के फॉर्मेट में है। एवरीवन, जिस टॉपिक का जैसा डिमांड है उसको उस हिसाब से एडजस्ट किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? ओके, विश्व विरासत दिवस का विषय क्या है 2024 का? सो विविधता का खोज करें, विविधता का खोज करें, खोज करें। ठीक है, यह विषय किसका है? 2024 का विश्व विरासत दिवस का। ठीक है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को। यह डेट कहां से निकल गया? तो 18 अप्रैल 1982 को यूनेस्को के द्वारा अपने सम्मेलन में ये उद्घोषणा किया गया कि आने वाले समय में विश्व विरासत दिवस मनाए जाएंगे। सो इसके अगले ही जो वर्ष है उस समय से विश्व विरासत दिवस मनाना शुरू हो गया। तो याद रखना, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। इसका देखिए मोटिव क्या है, हमारी जो सांस्कृतिक स्थल है, विरासत, जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसके बारे में लोगों की जानकारी दे पाना, उसकी रक्षा करना, उस संस्कृति के बारे में लोगों को बताने के लिए एक उत्सव के रूप में इसका आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा? तो यूनेस्को के द्वारा, याद रखना, यूनेस्को के द्वारा। ओके, सो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, जो कि वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक स्थलों का सम्मान करता है। यह विरासत संरक्षण पर जोर देते हुए स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त या महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों का जश्न मनाने की बात भी करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में GI टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो वह शहर का नाम है वाराणसी, वाराणसी। ओके एवरीवन, उत्तर प्रदेश का एक ये सांस्कृतिक शहर है, स्थल है। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट GI टैग से जुड़ी हुई कुछ और बातें हैं, जैसे में जो वाराणसी है, वाराणसी अभी तक 34 GI टैग उत्पाद का रिकॉर्ड हासिल किया है। अभी तक भारत में कोई ऐसा शहर स्थल नहीं है जिसके पास एक पर्टिकुलर शहर या पर्टिकुलर जगह पे 34 GI टैग उत्पाद का रिकॉर्ड हो। तो पहला तो आप ये पॉइंट याद रखना, दूसरा जो वाराणसी है उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक स्थल है, शहर है। सो जो यूपी है, यूपी के पास अभी 69 था, वो बढ़कर 75 हो चुका है, 75 GI टैग उत्पाद हैं। ओके, GI टैग उत्पाद हैं। ओके, ये भी रिकॉर्ड अभी तक किसी राज्य ने नहीं तोड़ा है। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है GI टैग उत्पादों में, अर्जन में 75 उत्पाद हैं। वाराणसी पूरे भारत में पहले नंबर पर ऐसा एक शहर स्थल है जिसके पास टोटल 34 GI टैग उत्पाद हो चुके हैं। ओके, सो भारत की आज़ादी से जुड़ी वाराणसी की तिरंगा बर्फी को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है, जो वाराणसी के ढलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को भी GI टैग प्राप्त हुआ है। अभी हाल ही में चेन्नई में GI रजिस्ट्री कार्यालय ने उत्तर प्रदेश के 75 नए उत्पादों को सूचीबद्ध किया है। उस 75 में जो 34 हैं वह वाराणसी के भी अपने योगदान दे रहे हैं इस 75 को पूरा करने में। ओके, तो मोटा मोटा भी ये भी जानकारी याद रखना। नेक्स्ट है, लीफ लिटर फ्रॉग मुख्य रूप से किस जंगल में पाया जाता है? तो यह ब्राजीलियाई अटलांटिक वर्षावन, ब्राजीलियाई अटलांटिक वर्षावन। एवरीवन, ये मेढक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अल्ट्रासोनिक ध्वनि निकालता है, सोनी ध्वनि निकालता है अपनी जान की रक्षा करने के लिए। ओके, और इसकी एक महत्वपूर्ण मैटर यह है कि यह ज़्यादातर वीरल जंगलों में रहना पसंद करता है, जहाँ पर वनों के पत्ते होते हैं झड़े हुए, वहाँ पर छोटा सा इकट्ठा, वहाँ पर अगर गठर के रूप में पत्ते हैं तो वहाँ पर भी अपने को सुरक्षित महसूस करता है, और अपनी जान की रक्षा करने के लिए, शिकारियों से बचने के लिए यह अल्ट्रासोनिक साउंड निकालता है। ओके,
और कहां पे पाया जाता है, तो ब्राजीलियाई अटलांटिक वर्षा वन में। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में देखा गया सलास वाई गोमेज। सलास वाई गोमेज क्या है सुब्रीवन? यह दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में एक ये महासागरी कटक है। दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में महासागरी कटक है, कटक है। ओके, वैज्ञानिकों ने हाल ही में दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में एक समुद्री पर्वतमाला सलास वाई गोमेज पर्वतमाला में 160 समुद्री प्रजातियां पाई हैं। अटाकामा ट्रेंच और हम्बोल्ट करंट सिस्टम द्वारा अलग किया गया क्षेत्र उच्च समुद्री स्थानिका का दावा करता है। याद रखना इसकी अवस्थिति कहाँ है, दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में एक महासागरी कटक है। एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक है विश्व लीवर दिवस। ओके, विश्व यकृत दिवस, यकृत को लीवर कहते हैं, थोड़ा सा मोटा मोटा ही जानना। लीवर के बारे में जानकारी, मानव शरीर के लिए कितना यह उपयोगी अंग है, इसका वैश्विक पटल पे क्या योगदान है ह्यूमन बॉडीज के लिए, भारत में क्या आंकड़ा है इसके असुरक्षा के द्वारा होने वाले मौतों पर बात करेंगे। विश्व लीवर जो दिवस है, मानव शरीर में लीवर के बारे में जागरूकता, इसके महत्व के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जो स्वास्थ्य संगठन है के अनुसार ये भारत में लीवर की बीमारियां मृत्यु का 10वां सबसे बड़ा कारण है भारत के अंदर। ओके, एवरीवन, बात हो रही है WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। इसका जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 में किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर वह है स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ओके, जो 7 अप्रैल है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं, स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, तो मोटा मोटा हमने एक जानकारी यहां से WHO को भी ले लिया, साथ ही साथ जो टॉपिक है वो भी देख रहे हैं। और 19 अप्रैल याद रखना, जो 19 अप्रैल है यह विश्व लीवर दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। बात करते हैं लीवर की। यह दूसरा सबसे बड़ा अंग है मानव शरीर का, हमारे शरीर के पाचन तंत्र का प्रमुख अंग है। मानव जो भी उपभोग करता है वो यकृत से होकर गुजरता है या संक्रमण से लड़ता है, विषाक्त पदार्थों को निकालता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, प्रोटीन बनाता है, पाचन में मदद करने के लिए पित्त का रिसाव करता है। यह देखा गया है कि 75% जो लीवर है, लीवर को सुरक्षित रूप से हटाया जा सकता है क्योंकि इसमें पुनर्जनन की क्षमता व्याप्त होती है। इसलिए यकृत को देखभाल करने के लिए किसी को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, प्रोटीन, अनाज, डेयरी उत्पाद, फल, सब्जियां और वसा का संतुलित आहार लेने की सलाह भी दी जाती है। एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक है ओरोन एयरक्राफ्ट, इसको Mars 2 के भी नाम से जानते हैं। ये अचानक चर्चा में क्यों आया, आपको जानकारी होगा कि इजराइल और ईरान के मध्य में कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ईरान के द्वारा मिसाइल से हमला किया गया था इजराइल के ऊपर। ओके, उस समय इस एयरक्राफ्ट का चर्चा बना और यह काफी ट्रेंड में आ गया, यह चर्चा मार्स 2 या ओरोन है क्या। देखिए, एक्चुअल में यह एक AI बेस्ड एयरक्राफ्ट है जो किसी राष्ट्र के लिए एक डिफेंसिव सिस्टम के रूप में काम करता है। जिस देश के द्वारा इसको स्थापित किया जाता है उस देश का डिफेंसिव सिस्टम को ये मजबूत बनाने में योगदान देता है। ओके, जैसे किसी राष्ट्र के द्वारा, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा अगर किसी देश पर कोई आसमान से हमला किए जा रहे हैं, ओके, तो उसको या जो जिस कंट्री के द्वारा इसको स्थापित किया गया है उस कंट्री का एक अपना डिफेंसिव हेडक्वार्टर होगा, वहां पर ये सूचना देता है कि भाई हमारे ऊपर हमले किए जा रहे हैं, रक्षा में इसका डिफेंड करो। ओके, तो मेन पूरा मामला यही है, ये AI बेस्ड एयरक्राफ्ट है जो कि इजराइल के द्वारा स्थापित किया गया था
जो कि ईरान के द्वारा किए गए मिसाइल हमलों के 99% मिसाइल हमला को ये जानकारी दिया है इसराइल के जो डिफेंस हेडक्वार्टर हैं कि अब हमारी या जिस देश के द्वारा इसका स्थापना किया गया उसका रक्षा किया जाए। ओके, और यह यूएसए और इसराइल के साझा तकनीक के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ओके, सो एआई तकनीक से लैस एक उन्नत स्टेल्थ विमान ने ईरान द्वारा किए गए एक आश्चर्यजनक मिसाइल हमले का पता लगाने और उससे बचाव करने में इसराइल की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओरोन या मल्टी मिशन एयरबोर्न रिकॉग्नेस एंड सर्विस सिस्टम मार्च 2 के नाम से जाना जाने वाला यह विमान लगभग 8,200 करोड़ की कीमत का है और यह दुनिया के सबसे संसाधन संपन्न कॉम्पैक्ट वेल्थ विमानों में से एक है। ओके, बात करते हैं ओरोन या मार्च 2 के बारे में। ओरोन एक संशोधित बिजनेस जेट है जो कि इसराइल और अमेरिकी विशेषज्ञों द्वारा विकसित अत्याधुनिक एआई प्रौद्योगिकी से युक्त है। यह ड्रोन बैलिस्टिक मिसाइलों और दुश्मन के विमानों सहित विभिन्न खतरों का पता लगाने में सक्षम है। हाल ही में इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमलों के दौरान ओरोन ने वास्तविक समय में आने वाली मिसाइलों के डेटा को इंटरसेप्ट किया और इसकी जानकारी इसराइली लड़ाकू पायलटों और आयरन डोम रक्षा प्रणाली के ऑपरेटरों तक पहुँचाया है। एआई से लैस स्टेल्थ विमान ओरोन ने ईरानी मिसाइल हमले के खिलाफ इसराइल की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विमान में इसराइली लड़ाकू पायलटों और आयरन डोम रक्षा प्रणाली के साथ वास्तविक समय की खुफिया जानकारी और समन्वय प्रदान किया। ओरोन की उन्नत प्रौद्योगिकी सभी आने वाले खतरों पर नजर रखी, जिसमें कि 99% मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोक पाना संभव हो सका। इस ऑपरेशन से आपने देखा होगा कि जब ईरान के द्वारा मिसाइल हमले किए जा रहे थे तो आसमान में ही डिफेंड कर दिया जा रहा था, उसमें योगदान किसका था? इसी ओरोन, या इसको मार्च 2 भी आप कह सकते हैं। उसको आसमान में ही ध्वस्त कर दिया जा सकता था निशाने पे पहुंचने से पहले। न्यूज में ये चीजें चल रही थी, दिख रहा था, तो वही है ओरोन या मार्च 2। ओके, सो इस ऑपरेशन में अत्याधुनिक युद्ध में एआई सुसज्जित प्रणालियों के महत्व को इसराइल द्वारा अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के प्रयासों को भी प्रदर्शित किया है। इसराइल का आयरन डोम एक मोबाइल सभी मौसम में काम करने वाली वायु रक्षा प्रणाली, जिससे कि 4 से 70 किलोमीटर की दूरी से दागे गए कम दूरी के रॉकेटों और तोपों को रोकने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। आयरन डोम का विकास 2007 में शुरू हुआ और पहली बार 2011 में इसको तैनात किया गया। तो ये भी आप छोटा सा कंटेंट नोट डाउन कर लेना जो एआई डोम की बात हो रही है। इस प्रणाली वो गाजा पट्टी से इसराइल की ओर दागे गए हजारों रॉकेटों को रोकने का श्रेय दिया जाता है। ओरोन ईरान और क्षेत्र में उसके सहयोगियों से बढ़ते खतरों के मद्देनजर अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए इसराइल के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। ओके, सो एवरीवन, टोटल जो भी क्वेश्चंस थे, टॉपिक थे, हमने उसको कवर करने का कोशिश किया। अगर आपको ये एनालिसिस एग्जाम के रिलेवेंट लगते हैं तो प्लीज छोटा सा शॉर्ट नोट्स भी आप तैयार कर लेना। थैंक यू सो मच।